श्वेतल यादव और हम जो है पार का थर्ड चैप्टर ठीक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे ठीक है वी वर डिस्कसिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक है। तो देखिए कल हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी, हमने प्रोसेस जाना था कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है, वो किस लिए होता है, उसकी नीड क्यों है ठीक है। प्लस हमने रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन से गैमेट्स होते हैं, मेल फीमेल के गैमेट्स होते हैं ठीक है, जिनके फ्यूजन से जायगोट बनता है और जायगोट फर्दर डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फीटस बनता है ठीक है। और उसकी रिगार्डिंग कुछ बेसिक टर्म्स हमने की थी, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है। और कल लास्ट वीक हमने एक फ्लो चार्ट से स्टेप्स डिस्कस किए थे ठीक है। तो आगे इस चैप्टर को हम आगे लेके जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल पीरियड्स ठीक है। देखिए बेसिकली डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट देखा जाए तो जब से जो जायगोट फॉर्म होता है ठीक है, फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट्स का, उसके बाद जायगोट फॉर्म होता है और जायगोट के आगे जितने भी स्टेप्स आते हैं ठीक है, जायगोट जो है वो आगे मल्टीप्लिकेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है ठीक है, और एक फुली ग्रोन होने के बाद जो है उसका बर्थ होता है और बर्थ के बाद क्या हो जाते हैं, वो डेवलपमेंटल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, वैसे बेसिकली देखा जाए तो जायगोट के बाद जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फीटस की क्या होती है, वो फीटस की डेवलपमेंट स्टेज होती है ठीक है। तो डेवलपमेंट पीरियड जो है वो हमारे दो होते हैं, मेनली दो तरह से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एम्ब्रियोनिक और जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल। प्रीनेटल डेवलपमेंटल पीरियड ठीक है। सेकेंड होते हैं हमारा पोस्ट एम्ब्रियोनिक और दी पोस्ट नेटल डेवलपमेंटल पीरियड ठीक है। देखिए जो एम्ब्रियोनिक या प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियोनिक होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो पीरियड होता है ठीक है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए ये वो पीरियड होता है जब फ्यूजन से लेके बर्थ तक ठीक है, जितना भी इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन लगता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर आता है ठीक है। So, हम कह सकते हैं इट इज द पीरियड विच इज पास्ट इन मदर्स वॉम ठीक है। तो बेबी ग्रोथ कहां होती है, मदर्स वॉम में होती है ठीक है। मदर्स वॉम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ठीक है। ये वो पीरियड होता है जो मदर्स के बॉम्ब के अंदर कॉन्टिन्यू रहता है ठीक है, कहां से, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक ठीक है। इस पीरियड को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनिक ठीक है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट ठीक है। अब एक टर्म आती है एम्ब्रियोलॉजी। What do you mean by embryology? The study of the embryonic development period, we termed it as embryology. ठीक है? The study of embryonic development period. ठीक है? वो embryonic period जो fertilization से birth तक की जिसको हम study करते हैं उसको हम कहते हैं embryology. एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी इंक्लूड्स क्या क्या करती है।
टेक्नोलॉजी में क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, जायगोट, ठीक है, जायगोट फर्दर डेवलप होके क्या बनता है, एम्ब्रियो, राइट, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होके किसमें क्या हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द फीटस, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज हमारी होती है जायगोट, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो और फाइनल हमारा बन जाता है फीटस जो कि यंग वन होता है, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ फीटस फ्रॉम दी जायगोट इट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। फॉर्मेशन ऑफ फीटस फ्रॉम दी जायगोट, ठीक है, इट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इस टर्म को हम क्या कहेंगे, फीटस का बनना फ्रॉम दी जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ फीटस फ्रॉम दी जायगोट इट इज नोन एज दी एम्ब्रियोजेनेसिस, क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड डेवलपमेंट पीरियड की, ठीक, क्या था वो, पोस्ट एम्ब्रियोनिक और दी पोस्ट नेटल, जस्ट आफ्टर दी बर्थ, ठीक है, इट स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर दी बर्थ, ठीक है, यंगवन आ जाता है, ठीक है, यंगवन के बर्थ के बाद वो डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, फिर क्या आता है, चाइल्डहुड आएगा, ठीक है, चाइल्डहुड के बाद क्या होता है, जैसे इयर्स पास होंगे बच्चा डेवलप करेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एडल्टहुड आ जाएगा, ठीक है। एडल्टहुड के बाद क्या आते हैं, देखिए जितने भी चेंजेस आते हैं उसके बाद क्या आ जाता है, ओल्ड एज आ जाता है, राइट, और ओल्ड एज के बाद क्या होता है, जो बॉडी है वो क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है, और डीजनरेटिव चेंजेस के बाद फाइनली क्या आ जाती है, इट लेड्स टू, ठीक है, ओल्ड एज के बाद जितने भी डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं ठीक है, विच लेड्स टू डेथ, फाइनली डेथ, ठीक है, राइट, ये होता है हमारा पोस्ट नेटल और द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, राइट, ठीक है। देखिए दोनों डेवलपमेंट पीरियड्स की स्टडी को, दैट इज द स्टडी ऑफ बोथ दी पीरियड्स, ठीक है, इन सभी दोनों पीरियड्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम एम्ब्रियोनिक और द प्रीनेटल की कर रहे हैं, पोस्ट एम्ब्रियोनिक और द पोस्ट नेटल की जो हम स्टडी करते हैं, इनको कहते हैं ऑन्टोजेन, ठीक है, ऑन्टोजेन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ बोथ द डेवलपमेंट पीरियड्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑन्टोजेन, राइट। तो देखिए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें क्या सिमिलर होता है, उनमें कॉमन क्या है, देखिए अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ऑफ बोथ
कंसिस्ट ऑफ कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है. फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. राइट, देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोथ मेल और फीमेल, जो दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो बनाते हैं गैमेट्स, ठीक है. These are the organs, organs which produce या which make gametes, ठीक है, ये gametes बनाते हैं. Right? Gametes बनाने के बाद इनका क्या होता है, ये रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक हार्मोन्स, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं जो इनकी रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है. अब स्पेसिफिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, लाइक FSH एंड LH. What do you mean by FSH? This is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Right? और LH का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है luteinizing hormone. ठीक है, luteinizing hormone. Right? देखिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये दोनों सीक्रेटेड होते हैं किससे, गोनाड्स, ठीक है. और जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रॉपर हमारे गोनाड्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं और इन गैमेट्स की रेगुलेशन करते हैं थ्रू FSH एंड LH, ठीक है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे कौन से होंगे, ये हमारे होंगे गोनाड्स, ठीक है. अब देखिए जो FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये बेसिकली क्या फंक्शन करता है, ये होता क्या है बेसिकली, देखिए FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये एक गोनाडोट्रॉफिन होता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, किस चीज से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, राइट. अब अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, ठीक है, तो ये देखिए मेल और फीमेल्स में ये जो है ये अलग अलग रोल प्ले करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो राइज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो ये क्या ट्रिगर करता है, LH. अगर ये इंक्रीज होता है तो LH ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन, ठीक है, वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, राइट. इन केस ऑफ फीमेल्स जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
इंक्रीज होने पे ओव्यूलेशन को इंक्रीज करता है प्लस कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट में इनिशिएट करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अब मेल्स में, तो मेल्स में क्या रोल प्ले करता है, अगर हम बात करें इन मेल्स, ठीक है, देखिए मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम इंटरस्टाइनल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इंटरस्टीशियल सेल क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, प्रमोट्स दी लेडिक सेल्स। ठीक है, ये लेडिक सेल्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और वो आगे फर्दर क्या करता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसको प्रमोट करता है। ठीक है, जो लेडी सेल्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, इट्स रोल इन द मेल। मेल्स में क्या करता है, मेल में हम इसको इंटरस्टीशियल सेल्स भी बोलते हैं, प्रमोट करता है लेडिक सेल्स को, जो फर्दर किसको इनिशिएट करती है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। राइट, क्लियर है? गोनाड्स का मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कि अगर मेल में गोनाड्स हम बात करें तो मेल गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होती है, ओवरी होती है। ठीक है, फीमेल्स में क्या होती है, क्या बनाएंगे, मेल गैमेट बनाएगा और ये क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट बनाएंगे। ठीक है, फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं और ये क्या करते हैं, ये मेल गैमेट फॉर्म करते हैं। ठीक, ये गोनाड्स है। राइट, ऑब्वियसली ये क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ओवम और एग, ये इसको आप ओवा भी बोल सकते हैं, ओवा कह दीजिए, ओवम कह दीजिए, एग कह दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, जैसे प्राइमरी ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स क्या करते थे, गैमेट्स फॉर्म करते थे। ठीक है, और वो हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड होते थे, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था और जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन था। ठीक है, सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये किसी भी तरह के ना तो गैमेट्स बनाते हैं ना ही ये किसी तरह का हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, दीज मेक और प्रोड्यूस, सीक्रेट दी हार्मोन्स। राइट, ये क्या करते हैं, देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एक हेल्पिंग है कि जो हेल्प करते हैं, ठीक है, गैमेट्स की ट्रांसफर में। ठीक है, जो गैमेट्स की ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर दी गैमेट्स, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव और दी जेनाइटल डक्ट। क्या, और ये क्या करते हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, हेल्प्स इन
रिप्रोडक्शन। ठीक है जैसे हमने पढ़ा कि प्राइमरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैमेट्स को बनाते हैं, ठीक है, और हॉर्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सिर्फ हेल्प करते हैं, ठीक है, ये गैमेट्स की ट्रांसफर में, और इन्हें हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपका थॉट एक कैरेक्टर आता है, हम उनको सेक्स ऑर्गन्स नहीं कह सकते, वो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। ठीक है, तो जिनको हम कह सकते हैं एक्सेसरी और द एक्सटर्नल, ठीक है, सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। देखिए बच्चों, बेसिकली ये क्या होते हैं, जो एक्सटर्नली, ठीक है, बाय लुकिंग एट समबडी हम उनके जेंडर को डिस्टिंग्विश कर पाए, वेदर ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, बॉय है, गर्ल है, बेबी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपका जैसे बॉडी बिल्ड आ गया, ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो मेल्स होते हैं उनका जो जो मस्कुलर पार्ट जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा मस्कुलर होती है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग आ गई इसमें आपका, बॉडी बिल्ड आ गया, सॉरी बिल्डिंग नहीं, बिल्ड आ गया, बॉडी बिल्ड, ठीक है। इसमें आपकी जैसे वॉइस आ गई, ठीक है, हेयर्स आ गए, यूजुअली जो मेल्स हैं वो शॉर्ट हेयर रखते हैं, ठीक है, और फीमेल्स जो है वो लॉन्ग हेयर्स रखती हैं, ठीक है, ब्रेस्ट है, ठीक है, आपकी और क्या आ गया इसमें, आपका बिहेवियर आ गया, ठीक है, मेल्स थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, फीमेल्स इतनी एग्रेसिव नहीं होती, ठीक है। तो ये सब क्या आते हैं, ये हमारी एक्सेसरी और भी एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हैं, जिनको एक्सटर्नली लुक वाइज हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द जेंडर्स, राइट। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है, हम देखते थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है। बात करें मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करते हैं ये, सेक्रेटम, पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, योर वासा एफ्रेंशिया, राइट, देन पेयर ऑफ एपिडिपिस, राइट, pair of vasa differentia, ठीक है, pair of ejaculatory ducts होते हैं, ठीक है, urethra होता है, penis, right, and other glands, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ये सभी ऑल दीज सेक्रेटम, पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, पेयर ऑफ एपिडिडमिस, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ इजेक्युलेटरी डक्ट्स, यूरेथ्रा, पैनिस एंड द ग्लैंड्स, ये सब मिलके बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटम को, क्लियर।
बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर वाइज इसको डिस्कस करें तो इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट हैंग्स बिटवीन दी लेग्स. राइट, या इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं पाउच ऑफ स्किन, जिसके अंदर क्या होते हैं, दैट कंटेन्स दी टेस्टिकल्स. पार्टीशन होती है बेसिकली, ठीक है, मस्कुलर पार्टीशन, वो उसको क्या करती है, डिवाइड करती है बिटवीन द लेफ्ट पोर्शन एंड द राइट पोर्शन, ठीक है. इनका बिटवीन दी इनका पार्टीशन होगा, ठीक है, राइट एंड द लेफ्ट सेक्रेटरी सेल्स, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है. अब इसका क्या हो गया, सेक्रेटरी का पार्टीशन हो गया, बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन है, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट सेक्रेटरी सेल्स में डिवाइड होते हैं, और इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड दी इंपॉर्टेंट है सेप्टम स्क्रॉटम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं सेप्टम स्क्रॉटम, राइट. देखिए अगर हम बात करें टेस्टिस की, ठीक है, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस डेवलप करता है इन द लंबर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जो टेस्टिस है develops in the lumbar region of the abdominal cavity. ठीक है, testes जो है वो abdominal cavity के अंदर develop होते हैं. उसके बाद क्या होता है, देखिए टेस्टिस डेवलप होते हैं इन दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, फिर एक ओपनिंग के दौरान जो है वो किसके अंदर जाते हैं, कहां जाएंगे टेस्टिस, सेक्रेटरी सेक्स में जाएंगे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है वो 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद जाते हैं, ठीक है, 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. और किस ओपनिंग के थ्रू जाएंगे ये, थ्रू एन ओपनिंग ये ट्रैवल करते हुए जाएंगे, किस ओपनिंग के थ्रू, ओपनिंग जिसको हम कहते हैं कॉल्ड इनग्विनल कैनाल, ठीक है, इनग्विनल कैनाल एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है टेस्टिस डेवलप होगी, सेक्रेटरी सेक के अंदर जाते हैं, ठीक है, टेस्टिस डेवलप होते हैं इन द रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, ये लेते हैं 7 वीक्स लेते हैं, उसके बाद ही ओपनिंग के थ्रू जाते हैं जिसको हम कहते हैं इनग्विनल कैनाल, राइट. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मेल्स में एक आप कह सकते हैं कि अगर टेस्टिस डेवलप नहीं होते, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई ह्यूमन जो ये मेल है वो स्टराइल है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्टिस जो है वो नहीं बना पाते, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेक द टेस्टिस,
और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें जो सेक्टर टर्म है ये क्या फंक्शन रोल क्या प्ले करता है ये ठीक दो क्या फंक्शन करता है देखिए सबसे पहले जो सेक्टर टर्म है ठीक है दिस एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर ठीक है थर्मोरेगुलेटर क्या करता है कि अब ये इसके क्या क्रिएट करते हैं इसके अंदर टेस्टिस होते हैं ठीक है और टेस्टिस क्या होते हैं वो जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी से बहुत ही कम होता है ठीक है दिस एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर ठीक है ये एक थर्मोरेगुलेटर की तरह एक्ट करता है कैसे बाय कीपिंग टेस्टिस ठीक है एंड टू और 2.5 डिग्री सेल्सियस वाई टेस्टिस का इतना टेम्परेचर क्यों रखता है बिकॉज जो स्पर्म्स होते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव एट बॉडी टेम्परेचर राइट क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं स्पर्म्स कैन नॉट withstand or survive the body temperature ठीक है तो ये क्या करते हैं ये testis का temperature 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस रखता है ताकि जो स्पॉन्स हैं उनको एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल सके ठीक है टू सर्वाइव क्लियर